क्या हाल समाचार है पापा जी? ठीक हाल समाचार है। क्या कोई बात है कि तुम ऐसे भोले भोले पूछ रहा है क्या हाल समाचार है पापा जी? तब नहीं पूछेंगे पापा जी क्या हाल समाचार। रात भर बतवा हमको गाड़ मार लिया रूम में, देखने के लिए आया बार बसंत नहीं और पूछता है क्या हाल समाचार है पापा जी। पापा जी को तो बतवा रात भर गाड़ मार के बथान लगा दिया। पापा जी रूम खुले रखे थे क्या आप? हाँ रे बेटा, हमको छोड़ मुतने लगा, हम गए मुतने के लिए, मुत के आए रूम घुसे, हम ताला लगाने के लिए भूल गए, हमको नींद पड़ गया, कहाँ से आ गया बतवा, रात भर हमको गाड़ मारा, गाड़ मारते 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 भेमेते भेमेते भोर कर दिया। लौड़ा इतना रात भर परेशान किया है कि मुंह से भाप नहीं खुल रहा है मेरा 1%। और तुम रे बेटी चोदन राजोदी भोले भोला के बोलता है क्या हाल समाचार है पापा जी? अरे पापा जी क्या बताएंगे, वो बतवा तो मेरे यहाँ भी आया था भोरे भोर, बोला कि तुम्हारा पापा जी को घर मार लिए हम, अब तुम्हारा पापा जी हिल नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा। और हम पूछे तुम सही बोल रहा है? कहता है कि नहीं विश्वास है, जाओ वहाँ देख के आओ पापा जी को। लौड़ा यहीं से चिल्लाता है, तब हम पापा जी दौड़े दौड़े आए आपके पास और हम आपको पूछने लगे क्या हाल समाचार है पापा जी। मनो बेटा, कहने का मतलब है कि वो बतवा रात भर हमको आती उछलाया और आती उछलाते उछलाते भोर कर दिया, और फिर जाके तुमको बताया भी कि तुम्हारा पापा जी को गाल मार लिए हम। पकड़ो वो बतवा बेटी चोट को, नहीं उल्टा अभी हम गाल मार लिए उसको, तो फिर मेरा नाम घोलटू बाबा बेकार पड़ जाएगा। अब कहाँ खोजने जाएंगे पापा जी हम उस बतवा को, वो तो खाली आया हमको बताया और बता के भाग के निकला निकले है, अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ खोजने जाएंगे पापा जी हम उस बतवा को। कहीं बेटा वो गांव में हल्ला करने तो नहीं गया कि हम घोलटू बाबा को गाल मार लिए? तो साला पूरा गांव में कहीं हल्ला कर देगा तो मेरा तो गया इज्जत रे बेटा। तुम जल्दी से दौड़ के जाओ, देखो बतवा कहाँ है और पकड़ के लाओ, बैठने से काम नहीं चलेगा बेटा, नहीं तो मेरा इज्जत गया पानी में। हमको तो पापा जी आप ही पे डाउट लग रहा है। अच्छा, क्या डाउट लग रहा है तुमको हम पर? काहे कि पापा जी बतवा हमको एक बात और बताया कि हम रात में गए थे आपके पापा जी के घर के बगल में चरने के लिए, घास खाने के लिए, और पापा जी देखा हमको तो बोला कि आ जाओ बतवा रानी मेरे रूम में, कोई नहीं है। तो फिर मेरा मन नहीं माना, हम आपके पापा जी के रूम घुस गए। घुसने के बाद हम सोचे कुछ खाने पीने देगा, हमको क्या मालूम हमारे साथ में ये सब दुर्व्यवहार करेगा, और क्या बताएंगे हम। नहीं रे बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है रे, बतवा तुमको झूठ बोला है, एक बार खाली बतवा पकड़ा जाए हमको, मुड़ी मचा के नहीं तोड़ दे तो मेरा नाम घोलटू बाबा बेकार हो जाएगा। इस साला सरासर झूठ बोल रहा है, हम भला बतवा को रात में सुतने के लिए क्यों बुलाएंगे रे बेटा, तुम ही बताओ। अब हम पापा जी कैसे बताएंगे? नहीं रे बेटा, वो बतवा झूठ बोल रहा है, सरासर अन्याय कर रहा है मेरे साथ में, धोखाधड़ी कर रहा है मेरे साथ में, हमको फंसाने का काम कर रहा है बेटा। हम तुमको साफ सुथरा बात बता रहे हैं, वो बतवा को हम घर में सुतने के लिए नहीं बुलाए थे, और हम तुमको दिल का दर्द क्या बताएंगे रे बेटा। अब हम पापा जी कैसे क्या बताएंगे, बतवा तो हमको उल्टे बात बोल रहा था। क्या बोल रहा था? और वह तो हमको बोला कि उल्टे घोलटू बाबा हमको गाल मार लिया रूम में बुला के, हम सोचे खाने पीने के लिए देगा, वहाँ पे बेड पे सुता के उल्टे हमको रात भर खिड़दौनी उछला दिया और हम बतवा के तरफ भेमाते रह गए रात भर। लेकिन भोरे संजोग से क्या हुआ, घोलटू बाबा को लग गया पेशाब छुड़मुतनी, और वह गेट खोला मुतने के लिए बाहर निकला, उसी टाइम हमको मौका मिल गया और हम दौड़ के रूम से निकल के जान बचा के भागे, नहीं तो घोलटू बाबा हमको तो जाने मार के छोड़ता। अरे बोप चोदी छोड़ा बतवा, एक बार खाली पकड़ा जाए बतवा, उसके बाद बतवा इतना सारा झूठ बोला है, सब झूठ हम निकाल देंगे। अब बेटा एक बात हम क्लियर कर देते हैं, मेरे तरफ से कोई गलती नहीं है बेटा, जो भी बोला है बतवा गलत बोला है, हम ऐसा कोई काम नहीं किए हैं। अब कैसे क्या बताएंगे पापा जी, आप तो पहले से छिनार पानी में एक्सपर्ट हैं, एक नंबर स्थान लाए हैं गाँव में, और हम क्या बताएंगे, हो सकता है आपको कोई नहीं मिला, आप बतवा को ही घर में बुला लिए। नहीं रे बेटा, आप कैसे क्या बताएंगे तुमको हम अपना दिल का दर्द, ये बतवा रात भर हमको जहाँ जहाँ सींग मारा है वहाँ पर खून के बदले पसीना चल रहा है, अभी भी तुम छू के देख लो मेरा पूरा शरीर से पसीना चल रहा है, और ये बतवा इतना बड़का झूठ बोल दिया, हम नहीं जानते थे रे बेटा कि बतवा हमको फंसा देगा। वो तो पापा जी डर लगता है, बतवा गया है गांव तरफ, कहीं हल्ला कर देगा पूरे गांव में कि घोलटू बाबा रात भर हमको गार मार लिया घर में बुला के, तो लौड़ा और आपका भारी बेइज्जती हो जाएगा पापा जी, अब हम क्या करेंगे। ठीक है बेटा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अगर बतवा हल्ला कर देगा गांव में, अगर हमको सुनने के लिए मिल गया, तो बतवा अगर पकड़ा गया मिस्टेक से, तो उसको हम भरी गांव में गांव मारते 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 गांव से बाहर कर देंगे, वो भी बतवा क्या याद करेगा, अभी तक बोलता था ना कि घर में गांव मारा है घोलटू बाबा हमको,
और गांव से खाली सुनने के लिए मिल गया तो पूरा गांव के बीच में बतवा को गांव मारते मारते हम गांव से बाहर करेंगे। अरे पापा जी आप ये क्या बोल रहे हैं, मेरा तो नाक कट जाएगा, सब कोई बोलेगा गांव में, जितना भी मेरा फ्रेंड सब सर्किल में है सब कहेगा अरे बबलू रूप प्रसाद लौरा लाल तिवारी तुम्हारा बाप जो है घोलटू बाबा बतवा को गांव मारते मारते गांव से बाहर कर रहा है, देखो देखो मेरा तो नाक कट जाएगा पापा जी आप ये क्या बोल रहे हैं। तब हम बेटा लौरा करेंगे जब मेरा इज्जत नहीं रहेगा तो। पापा जी बतवा के साथ में गलत किए हैं तभी तो बतवा पूरा गांव में गया है कहने के लिए, पता नहीं कहीं हल्ला कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा, इससे पहले पापा जी बतवा हल्ला करे आप बतवा को कहीं देखिएगा तो पैर पकड़ के माफी मांग लीजिएगा और बतवा आपको माफ कर देगा, दोबारा पापा जी ऐसा काम नहीं करिएगा, लोग आदमी को घर बुलाता है आप बतवा को घर बुला लिए और रात भर गांव मार मार के बतवा को परेशान कर दिए। अरे बेटा तुम भी बतवा के आवाज में सुर मिला रहा है, जब एक बार बोल दिए कि हम बतवा के साथ में कुछ नहीं किए हैं और तुम भी बतवा वाला सुर में सुर मिला रहा है रे। पापा जी आप ही बताइए हमको कुछ मालूम था, वो तो बतवा दौड़ के आया हमरे घर हमको सब चीज बताया तब हम जाने क्या क्या हुआ, हमको कुछ मालूम नहीं था पापा जी आप रात में अकेले रूम में क्या करते हैं, किसको सुताते हैं, किसको बुलाते हैं, किसको हटाते हैं, हमको तो मालूम नहीं ना पापा जी।